स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 को लेकर अभी से ही सभी टीमें अपनी पूरी प्रिपरेशन में लग चुकी हैं और लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। यहाँ पर दोस्तों तीन टीमों के लिए बड़ी खबरें जो हैं वो आई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो अगर आप भी हैं IPL के फैन कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों यहां पर सबसे पहली टीम और सबसे लेटेस्ट अपडेट जो है वो है मुंबई इंडियंस के लिए। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने IPL 2020 के लिए अपने ट्रायल जो है वो शुरू कर दिए हैं, और अपने पहले ट्रायल में इन्होंने दो बहुत ही युवा खिलाड़ियों को जो है वो बुलाया है। अगर ये खिलाड़ी ट्रायल में पास हो जाते हैं, मुंबई इंडियंस को पसंद आ जाते हैं, तो ये खिलाड़ी जो है मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में हमें नजर आ सकते हैं IPL 2020 में। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रायल में सबसे पहले खिलाड़ी हैं अवनीश सुधा। सिर्फ 17 साल के हैं, बहुत ही बढ़िया ये बैट्समैन है, बहुत ही बढ़िया युवा टैलेंट है, और इनको ट्रायल में जो है बुलाया है मुंबई इंडियंस की टीम ने। वहीं दोस्तों बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो दूसरे खिलाड़ी हैं यहाँ पर बॉलर पप्पू रॉय। ये भी काफी ज्यादा युवा है, ज्यादा इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले नहीं है, इसके बावजूद मुंबई इंडियंस को इनके अंदर जो है टैलेंट दिखा है और इनको जो है ट्रायल के लिए बुलाया गया है। तो ये हैं वो दो खिलाड़ी जिन्हें मुंबई इंडियंस ने जो है वो बुलाया है ट्रायल्स के लिए। अब देखते हैं कौन सा खिलाड़ी इसमें से ट्रायल में पास होता है और मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में दिखाई देता है IPL 2020 में। बात करें दोस्तों दूसरी खबर की, तो दूसरी खबर है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों KKR के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बता दें कि करीब इन्होंने 99 फर्स्ट क्लास मैचेस मुंबई के लिए जो है वो खेले थे। इसके बाद जब मुंबई ने इन्हें ड्रॉप किया था लास्ट ईयर, तो ये पुद्दुचेरी के लिए जो है रणजी खेलने लगे थे। यहां पर दोस्तों इन्होंने 3 इंडिया के लिए भी मैचेस खेले हैं, लेकिन अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और इन्होंने कहा है कि अब इनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होने वाला है कोचिंग के ऊपर, यानी कि KKR की टीम के ऊपर अब ये पूरा ध्यान जो है वो लगाने वाले हैं। बात करें दोस्तों तीसरी खबर की, तो तीसरी खबर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपना हेड कोच जो है वो चेंज कर दिया है, एंड्रू मैकडोनल्ड को अपना हेड कोच बनाया है, और इन्होंने हेड कोच बनते ही बड़ा बयान जो है वो दिया है, जहां पर इन्होंने कहा है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा स्टेबल है, चाहे हम बैट्समैन की बात करें, बॉलर्स की बात करें, या फिर बात करें ऑलराउंडर्स की। ऐसे में बहुत ही कम चेंजेस राजस्थान रॉयल्स की टीम IPL 2020 में जो है वो करने वाली है, ऐसा हिंट जो है वो दे दिया है इनके हेड कोच ने। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है बहुत ही कम प्लेयरों को रिलीज करेगी और बहुत ही कम प्लेयरों को जो है IPL 2020 के ऑक्शन में खरीदेगी। मेजर चेंज हमें होता हुआ नजर नहीं आने वाला, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हम एक मैच और जीत जाते लास्ट ईयर तो हम इजिली प्लेऑफ में चले जाते, ऐसे में चेंज करने की जरूरत जो है वो ज्यादा नहीं है राजस्थान रॉयल्स की टीम में। तो दोस्तों इन तीन टीमों के लिए जो है वो बड़ी खबरें आ रही थी जो कि हमने आपको दी इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।